प्यारे बच्चों, आज आप कारों में, बसों में, बाइक्स में, सब में जो पहिया देखते हो, जो टायर देखते हो, गोल जो पहिया देखते हो, क्या आपको पता है कि वो पहिया कैसे बना, किसने बनाया और कब बनाया? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? तो आज इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ। प्यारे बच्चों, आदि मानव का आपने नाम सुना होगा। इतिहास से पहले प्राग इतिहास आता है। उसमें जो मनुष्य, शुरुआत में मनुष्य था, वो एक चिंपैंजी की तरह था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह कपड़े पहनने लगा। धीरे धीरे वह भी जिस प्रकार आज के टाइम पे हम आविष्कार कर रहे हैं, नए नए नई नई विज्ञान आ रही है, नए नए आविष्कार आ रहे हैं, उसी प्रकार उस टाइम पे वो भी छोटे छोटे आविष्कार किया करता था। तो वह पहले फल फ्रूट पर अपना जीवन यापन करता था, फिर बाद में वह जानवरों को मारकर और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने लगा और अपना जीवन यापन करता था। मतलब जंगल में वह शिकार करता था और अपने घर तक शिकार को कंधे पर लेके जाता था। धीरे धीरे फिर उसने पहिए का आविष्कार किया और गाड़ी बनाई। गाड़ी पर वह उस शिकार को लेके जाने लगा और उसकी जीवन में सुविधा उत्पन्न हुई, सुविधा मिली उसको, आराम मिला। तो पहिए का आविष्कार किस प्रकार हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार क्या होता है कि आदि मानव की एक टोली, कुछ ग्रुप था उनका, तो उस ग्रुप में वो 5-7 मिलकर और शिकार करते थे। तो वह एक ऊंचाई पर, अर्थात एक पहाड़ की चोटी पर शिकार कर रहे थे और वहीं से ही वो फिर उस शिकार को मारकर, उसका शिकार करके, और वहीं से ही लकड़ियां तोड़ रहे थे, लकड़ियां काट रहे थे ताकि उसको ठीक से पका सकें। तो पहाड़ की चोटी पर जो पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को वो काट रहे थे। किसके लिए काट रहे थे? शिकार को पकाने के लिए। तभी उन्होंने एक बड़े पेड़ का तना काटा, इस प्रकार से एक गोल तना काटा। जैसे ही काटा, काटने के बाद अचानक वह ऊंचाई से कटकर और नीचे गिरा, और नीचे गिरकर पहाड़ की चोटी से लुढ़कता हुआ, राउंड राउंड लुढ़कता हुआ नीचे आया। तभी उनमें से एक आदि मानव अपना माइंड लगाता है और सोचता है कि हम इन्हें रोज काटते हैं और पहाड़ से नीचे लेके जाते हैं, तो हमें काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। परंतु आज ये ऐसा क्या हुआ कि ये जो लकड़ी का गट्ठर है, लकड़ी का जो लट्ठा है, ये फटाफट, मतलब 2 मिनट में, उस टाइम पे टाइम का तो आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने माइंड में ये सोचा कि इतने कम समय में पहाड़ की चोटी से ये नीचे आ गया। तो उसने फिर दूसरे लट्ठे को वहाँ से, लकड़ी के लट्ठे को वहाँ से गिराया, वह भी फटाफट आ गया। तो उसने ध्यान पूर्वक देखा कि ये किस प्रकार से जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो उसने ये देखा लकड़ी का गट्ठा इस प्रकार नीचे आ रहा है, या फिर इस प्रकार लुढ़कता हुआ राउंड राउंड नीचे आ रहा है। तो उसने देखा कि ऐसे राउंड राउंड घूमता हुआ वह नीचे आ रहा है। तो फिर उसने अपने दिमाग को विकसित किया और उसने छोटे पीस काटने शुरू किए, लकड़ी के ऐसे छोटे पीस काटना शुरू किए और उनको लुढ़काना शुरू किया, और तेज स्पीड में वो नीचे आने लगे। फिर इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, तो ये बिल्कुल पहिए जैसा एक छोटा सा टुकड़ा उसने काट कर नीचे गिराया, तो और तेज स्पीड में वह नीचे आया। तो इस प्रकार फिर उस पहिए पर ध्यान देकर उसने 4 पहिए जोड़े, इस प्रकार के 4 पहिए जोड़े, और इन 4 पहियों को जोड़कर एक गाड़ी का निर्माण किया। 4 पहिए, उनमें उसने बीच में छेद किए और एक पतला तना बीच में फंसा दिया।
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और दो तने इस प्रकार बांध दिए, दो बड़ी लकड़ियाँ इस प्रकार बांध दी, और जब भी वह शिकार करता तो इसके ऊपर शिकार को डालकर और बांध कर और फिर ऊपर से लुढ़काता, तो वह शिकार इस गाड़ी की सहायता से नीचे आ जाता। तो इस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ, और जैसे जैसे टाइम बीता गाड़ी में सुधार हुआ, फिर बैलगाड़ियाँ बनने लगी, धीरे धीरे और विकास हुआ बैलगाड़ियों से, फिर साइकिल बनने लगी, फिर कारें बनने लगी। पुरानी पहले की कारें आपने देखा होगा किस प्रकार की थी, लंबी रहती थी, बड़ा इंजन, भारी इंजन रहता था, उनका एवरेज 1-2 का एवरेज रहता था, इतनी सुविधा नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे और अच्छी गाड़ी आने लगी। आज के टाइम पे देखो आप कैसी अच्छी सुंदर गाड़ियाँ आती है, और एवरेज भी उनका 15-20 रहता है, काफ़ी स्पीड रहती है, कम पेट्रोल खाती है, और पूरी सुविधा उसमें एयर कंडीशनर, पावर विंडो, सब कुछ आता है। पहले की गाड़ियों में आपने देखा होगा घुमाने का एक हैंडल आता था, उसको घुमाने से कार का शीशा ऊपर नीचे चढ़ता था, आपने देखा होगा। इसके अलावा गाड़ियों की खिड़की बड़ी भारी रहती थी, अंदर एयर कंडीशनर नहीं रहता था, एसी नहीं रहती थी, और गाड़ियाँ आवाज़ करती थी, और थोड़ा सा चलते ही वो गर्म हो जाती थी। आपने देखा होगा जो पुरानी पिक्चरें हैं, पुरानी जो फिल्म्स हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा बीच में जंगल में गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ड्राइवर पानी लेने पहाड़ के दूसरी साइड पानी लेके आता है, और वहाँ पर हीरो या हीरोइन वेट करते रहते हैं, फिर वो गाड़ी में पानी डालता है, फिर गाड़ी ठंडी होती है तब चलती है। तो ये मिस्टेक्स होती थी पहले गाड़ियों में, आज की जो गाड़ियाँ हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, वह कंटिन्यू 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जा सकती है। तो जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रही है, जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, वैसे वैसे सुविधा बढ़ती जा रही है। पर शुरुआत में जो हमारा पहला पहिए का आविष्कार हुआ था वो आदि मानव ने किया था, और इस प्रकार लकड़ी के गट्टे को पहाड़ की चोटी से लुढ़का कर और फिर किया था। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्लास में कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो आप यही आंसर दोगे कि पहिए का आविष्कार किस प्रकार हुआ। ये एक अलग टेक्निक है पढ़ाने की, एक स्टोरी की तरह अगर समझाते हैं तो ठीक से समझ में आ जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको कभी भी आपके माइंड से ये नहीं निकलेगा और आप हमेशा याद रखोगे। पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।